रेडी। तो सिक्योरिटी हटाए जाने से आपने किस तरह का आक्रोश है, कितना गुस्सा है, और इस गुस्से को आप किस तरह आज इस माजूला मैदान में आकर आप जाहिर करना कर रहे हैं? मैडम, आज नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है और इस पार्टी ने 70 साल इस देश पे हुकूमत किया है, लोगों के भलाई के बारे में सोची है। कभी पार्टी के अध्यक्ष की किसी भी पार्टी, जब कांग्रेस की भी सरकार थी उस जमाने में भी जितने भी अपोजिशन लीडर थे जिनको खतरा था उनको सिक्योरिटी दी जा रही थी। आज इनकी सिक्योरिटी मौजूद होने के बावजूद, और जबकि देश ने देखा है कि इन नेताओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, उसके बावजूद इनकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, तो आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? क्या ईमानदार लीडर जो है मारे जाए, आप ये चाहते हैं देश में? तो ऐसा नहीं लगता कि आपके जो सिक्योरिटी हटाई गई राहुल गांधी जी की और जिस तरह से सोनिया गांधी जी की, तो उन्हें इस पे उन्होंने क्यों कुछ बोला नहीं? एक बात बताइए, हम उनके सिपाही हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, वो हमारे लिए करेंगे, वो आवाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आज उनको किसी चीज की कमी नहीं है। आज वो सड़कों पे भटक रहे हैं किसके लिए? ये देश के लिए, देश को सही रास्ते पे लाने के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनके ऊपर, जबकि NI ने बता दिया है कि इनके ऊपर जान का खतरा है, उसके बावजूद उनकी जो है सिक्योरिटी हटाई जा रही है, तो क्या मंशा लेकर के हटाई जा रही है? आप जिस तरह से आज झूला मैदान पहुंचे हैं सिक्योरिटी को लेकर, क्या आगे इस तरह से आप हमेशा बने रहेंगे, या फिर आज एक ही सिक्योरिटी हटाए जाने का विरोध करने के बाद आज के बाद आप पहुंच जाएंगे कि सिक्योरिटी हटाई भी गई है? नहीं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार उनकी नहीं बनी है, BJP की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने की वजह से वो क्रोध में है, और क्रोध में आने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। इसके लिए उन्होंने जो सिक्योरिटी हटाई है राहुल जी की, सोनिया जी की और प्रियंका जी की, मुझे ऐसा लगता है कि जो पूछता दिया होता है ना, थोड़ा भभकता है पहले और फिर बाद में बुझ जाता है। तो केंद्र सरकार को ये लग गया है कि अब हमारा दिया बुझने वाला है, तो अपना क्रोध किस तरह जाहिर करे। ये क्रोध देखते हुए लोगों ने ये सिक्योरिटी हटाई है और हम इसका खुला विरोध करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में, ये पूरे मुंबई में, पूरे भारत में अगर मालिक ने चाहते आंदोलन, यूथ कांग्रेस, मैं मानोडी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं मानोडी नॉर्थ वेस्ट का महासचिव हूँ और इसके नाते में मार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ कि आंदोलन हम लोग पूरे भारत में करेंगे और जय सिक्योरिटी की मांग करेंगे, जय सिक्योरिटी जो उनकी हटाई गई है वो वापस ली जाए। तो आज इस आपके जो विरोध प्रदर्शन है, आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी कांग्रेस की कार्यकर्ता की और भी लोग मौजूद हैं? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी भी है, सब है, सारे लोग। पहले तो ये बोल रहा हूँ, बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश का फैसला 2 आदमी ले रहे हैं, जो उनको उनकी भलाई में वो ले लेते, वो कर लेते हैं, जो बुराई में लगता है कि उनको हटा लेते हैं, वो 2 आदमी फैसला ले रहे हैं। आज देश हमारा कहाँ जा रहा है? पूरे देश को 2 आदमी घुमा रहे, जैसा बोलो वैसा चला रहे, आई समझ में। जब सरकार बनाने की बात आई तो फिर कांग्रेस पीछे क्यों? कहाँ से, महाराष्ट्र से कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ बात होती है जिस पर बातचीत चालू है, वो बात हो रही है। क्या लगा शिवसेना के साथ कांग्रेस आ जाएगी? क्यों नहीं, कुछ जो बात है, मुद्दे है, उस पर बात करके हो जाएगा वो सब। यही बात तुम्हारे हमारे प्रधानमंत्री को बुरी लग रही है। चार